अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है असमतुल्ला और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दी ए आई ओ यू। आज की स्टूडियो के अंदर तुलबा के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने एक नया फॉर्म जारी कर दिया है। तमाम क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए एक न्यू फॉर्म आ चुका है। कौन सा वो फॉर्म है और आपने उसका क्या यूज़ करना है, तमाम जो तफसीलात हैं इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो बगैर आपका टाइम वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर स्प्रिंग 2022 के अंदर तुलबा के लिए एक न्यू फॉर्म लेकर आई है, एक नया फॉर्म लेकर आई है जिसके अंदर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जितने भी तुलबा हैं उनको असाइनमेंट के लिए इस फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये फॉर्म न्यू क्यों आ चुका है, पुराना फॉर्म क्यों ख़त्म हो चुका है, इसके ऊपर थोड़ी सी तफसील से बात कर लेते हैं कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने रोल नंबर सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में अब दाखिला ले रहे हैं या दाखिला लेंगे, उनको यूनिवर्सिटी की तरफ से रोल नंबर नहीं मिलेगा, उनको एक यूज़र आईडी दी जाएगी और एक उसका पासवर्ड दिया जाएगा। सादा अल्फाज में जो यूज़र आईडी है वो ही आपका रोल नंबर होगा। पेपरों के अंदर भी आपने यूज़र आईडी ही लिखनी है, हर जगह आपने यूज़र आईडी ही लिखनी है। तो इसी वजह से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने एक न्यू फॉर्म लेकर आई है जिसके अंदर रोल नंबर वाला ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। फॉर्म आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इस फॉर्म के अंदर जो डिटेल्स है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, जिसमें सबसे पहले आपका नाम है, बाकी तमाम तफसीलात आपको पता है, नीचे जो है वो आपकी यूज़र आईडी लिखे हुए है। जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से जो उनको आईडी मिली हुई है ये आईडी यहाँ पर लिखनी है, और जो जारी तुलबा है उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इधर लिखना है। ये नंबर लिखने के बाद जो मैट्रिक इंटरमीडिएट यानी कि एफ आई कॉम बी ए बी कॉम एसोसिएट डिग्री जो तुलबा हैं उन्होंने इस असाइनमेंट के फॉर्म को यूज़ करना है। हर असाइनमेंट के साथ तीन फॉर्म लगाने हैं। अगर आपकी दो असाइनमेंट है तो छः फॉर्म लगेंगे, तीन असाइनमेंट है तो नौ फॉर्म लगेंगे, यानी कि हर एक असाइनमेंट के साथ आप लोगों ने इस तीन फॉर्म को अटैच कर देना है। बाकी बी एस बी एड ए डी ई बी बी एम ई एम एस सी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल जितने भी प्रोग्राम हैं उन स्टूडेंट्स ने इस फॉर्म को यूज़ कर ले तो बेहतर है, अगर ना करें तो भी कोई मसला नहीं। अगर वो यूज़ करना चाहते हैं तो इसके ऊपर अपना बायोडाटा लिखकर जो स्कैन करके पीडीएफ बना के आगे एलएमएस पोर्टल के ऊपर अपलोड करना पड़ेगा। इस फॉर्म को किस तरह फिल करना है मैं आपको एक डेमी पिक्चर अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ जिसके अंदर इस फॉर्म को फिल किया गया है। बिल्कुल इसी तरह ही आपने अपने फॉर्म को फिल करना है। इस फॉर्म का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका प्रिंट भी यूज़ कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको फॉर्म नहीं मिलता तो इसकी फोटो कापीज करा के आप असाइनमेंट के साथ भिजवा सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़।